मध्य प्रदेश में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर पार्टियां जोर शोरों से तैयारी कर रही है। जहां बीजेपी द्वारा प्रतिमाह 1,000 रुपये बहनों को दिए जा रहे, तो वहीं कांग्रेस द्वारा भी घोषणा कर दी गई है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे, वहीं 500 रुपये में गैस की टंकी भी दी जाएगी। उसी को लेकर इंदौर शहर में नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भराने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते विधानसभा 4 में नारी सम्मान योजना के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं के फॉर्म भराए गए और LED के माध्यम से रामायण का प्रसारण भी किया गया। वहीं अक्षय क्रांति ने कहा कि कांग्रेस जो बोलती है वह कार्य करती है। अब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी द्वारा 4 महीने पहले योजना लाई जा रही है, 5 साल से बीजेपी को यह याद नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस द्वारा सरकार बनने के पहले ही सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं जब पूछा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह 1,500 रुपये कैसे देगी, क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश कर्जे में है, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और महिलाओं को 1,500 रुपये वह जरूर देंगे। आपको विदित होगा कि 9 मई के दिन कमलनाथ जी ने अनाउंस करा था कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2023 में तो नारी सम्मान योजना को लागू करा जाएगा। नारी सम्मान योजना में अलग अलग चीज़ें हैं जो कमलनाथ जी ने कमेंट करी हैं, उसी को हम विधानसभा 4 के अंदर सारे वार्डों में लेकर जा रहे हैं और करीब करीब 20 से 25 हज़ार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस सम्मान योजना के अंदर। इस सम्मान योजना में ऐसा है कि 1,500 रुपये प्रति माह हर बिटिया को, हर बहन को और हर महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपये में टंकी देने का वादा जो करा गया है, इसके अलावा 100 यूनिट बिजली के माफ़ करे जा रहे हैं और 200 यूनिट पर आधा बिल माफ़ किया जा रहा है। लेकिन जो नारी सम्मान योजना जो हमको घर घर लेकर जाना है और कमलनाथ जी को घर घर लेकर जाना है, आज हम इसको एक नए तरीके से कर रहे हैं। नया तरीका हमारा ऐसा है कि हम रामायण दर्शन के साथ नारी सम्मान योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम रामायण दर्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर आप पूरा रामायण दर्शन उठाएंगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा सीता मैया के बारे में लिखा गया है, राम जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है और जो सीता माता की सम्मान की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में कहा गया है। और इसी चीज़ को जो आज कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे नेताजी हैं, जो श्रीमान कमलनाथ जी, सीधा सा है कि हम नारी के सम्मान की बात नहीं करते हैं, हम नारी का सम्मान करके दिखाते हैं।